अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। साहूपुरा वालों की पतंग तो आसमान पे झूम रही है, मगर हम क्या करें, बनने का तो कुछ पता ही नहीं है। अरे घबराओ मत यार, अपना बनने भाई जरूर पहुंचेगा। हमने कहा था ना, आ गया अपना शेर मैदान में बनने भाई। अरे वाह बनने भाई, बहुत देर से उछल रहे थे ये, अब हो जाए जरा नाके बंदी। अब दिल दो, नीचे से पहचान दो मेरे यार। कर गई बंदे हाथ तेरा जवाब नहीं, जीत गया भाई जीत गया, लालू पूरा जीत गया, हार गया भाई हार गया, शाह पूरा हार गया, अरे जीत गया भाई जीत गया, लालू पूरा जीत गया। हे अफसाना, दिल वालों का अफसाना, ओ अफ...
की शोहरत ये पीर बाबा की कुर्बत है गांव में इसकी शोहरत हम जैसे दिल वालों पर रहमत है खुदा की रहमत आओ इन्हें हम पेश करें हो आओ इन्हें हम पेश करें फूलों का नजराना अफसाना सुनो अफसाना दिल वालों का अफसाना हो अफसाना सुनो अफसाना दिल वालों का अफसाना चाहत के धागों से बुना है इसका ताना बाना अफसाना सुनो अफसाना दिल वालों का अफसाना अफसाना सुनो अफसाना दिल वालों का अफसाना इधर लो कमला बाबी शुक्रिया कमला भाभी शिकायतें सुनकर तंग आ गए हम अभी फजलू कह रहा था कि बन्ने दुकान पर टिकता ही नहीं न जाने कहाँ चला जाता है आवारा गति करने कितना तो समझाती हूँ बाजी मगर इसका तो अब एक ही इलाज है शकील भाई को बम्बई खद्दाल देती हूँ किसी न किसी धंधे पे लगा देंगे इंसान बन जाएगा मुआ मगर हम किसके सहारे जियेंगे बाजी अरे तू तो ऐसे बातें कर रही है जैसे मेरी दो चार औलादे बैठी हैं हम दोनों बेवाओं की जिंदगी का एक ही तो चिराग है हम आ गए अम्मी बड़े जोर की भूख लगी है कुएं से दो तीन बाल्टी ठंडे पानी की डाली भूख और भी चमक उठी मूंग का हलवा तो बना ही होगा हाँ हाँ खिलाओ इन्हें हलवा बड़ी कमाई करके आए ना साहेबजादे बस 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 सुई अम्मी क्या हुआ पतंग का मांजा बड़ा पक्का था अम्मी उंगलियां कट गई अच्छा ठीक है तू रहने दे मैं तुझे खिलाई देती हूँ बस अम्मी बस मजा आ गया अरे बेटा हलवा तो वैसे का वैसा ही पड़ा रह गया वो कल सुबह नाश्ते में खत्म कर लेंगे बड़ी जोर की नींद आ रही है अच्छा शबक है शबक है सलाम पुफी अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी भाभी अभी की अभी ये खत शकील भाई को बंबई भेज रही हूँ लेकिन बाजी हमारे बिना ये परदेश में रहेगा कैसे रहेगा कैसे जिंदगी फूलों की सेज नहीं कांटों की चादर भी है आज तो हम हैं कल जब नहीं रहेंगे तब की सोचो अगर इसका यही हाल रहा तो कोई पानी के लिए भी नहीं पूछेगा हौसला रखो भाभी अल्लाह ने चाहा तो दो चार महीने में धंधे से भी लग जाएगा फिर सब ठीक हो जाएगा सबर करो बच्चों आज तुम्हें शहंशाह अकबर के बारे में बताया दरबार के नौरत्न रानी जोधाबाई शहजादा सलीम और अनारकली जिसकी खूबसूरती पापा पापा अनारकली आपसे भी ज्यादा खूबसूरत थी बैठ जाओ आज का सबक कल सुनेंगे याद करके आना अरे सबा इधर कहाँ तुम्हें घर नहीं चलना लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी आप अरे अनवर मियां कहां हैं आप जी हाजिर हुआ आदाब अर्ज करता हूं आदाब ये कुछ किताबें चाहिए दीवाने गालिब आया लाइब्रेरी में जी
जल्दी ही आ जाएगा। आप? फिर मैं चलती हूँ, मेरी किताबें निकलवा के रख दीजिएगा, मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगी। जी आप? जी कुछ फरमाया आपने? जी नहीं, कुछ नहीं। सलाम चाची। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। मजे में तो हो? कैसी हो? बिल्कुल अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आदाब सबाबी। आदाब। सलाम सबाबी। कैसे हो? अच्छा हूँ। सलाम सबाबी। सलमान, अरे तुम अभी तक दुकान पर? आज पढ़ने नहीं आओगे? क्या करूँ सबाबी, आज अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, कल तुम्हें ज्यादा पढ़ा देंगे। अरे सलीम भाई, आप ऐसा करिए, बच्चों को लेकर आप चलिए, हम जरा घर से होकर आते हैं। जी। अच्छा चलो बच्चों। फिर सिगरेट पीओगी आपने? ठीक है, जो जी में आए सो करिए, हम आपके लगते ही क्या है, ये दवा रखी है, पी लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कहाँ जा रही है बेटी? यहाँ यहाँ बैठ, तेरा ही मुंह देखकर तो जीता है तेरा ये अब्बू। अगर अगर तू ही रुट जाएगी तो तेरा ये अब्बू जिएगा कैसे? अब्बू, हमें बहुत डर लगता है अब्बू, एक आप ही को तो देखते आ रहे हैं इस घर में, अगर आपको कुछ हो गया तो। नहीं बेटे, नहीं बेटे, उम्र भर तो किसी के माँ बाप बैठे नहीं रहते, अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंप कर उन्हें कभी ना कभी तो जाना ही पड़ता है। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे भी। फिर वही बात, हमने आपसे हजार बार कहा कि हम आपके बेटे हैं, हमें कहीं नहीं जाना, और आज के बाद ये बात आप फिर मत दोहराइएगा। अरे सबा बिटिया, अरे सुन तो जरा, ये देख ये खत किसका आया, देख तो सही। आपकी भाभी का है, लालूपुरा से। लालूपुरा से? देख पढ़ 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 क्या लिखा है पढ़। पढ़ने जैसी कोई खास बात है नहीं इसमें अब्बू, बस यही लिखा है कि कोई नया रंग रूट इस शहर की रंगीनियों से खिंचा, जल्दी यहाँ आने वाला है। रंग रूट? अरे बेटा कोई नाम तो लिखा होगा। बनने बनने कुछ ऐसा ही है। हाँ बनने ना बनने। आपसे हजार बार कहा है अब्बू कि साफ ना लिख दिया करिए, अरे खुद के रहने के लिए तो जगह है नहीं हमारे पास, और आए दिन मेहमान और परेशान किए रहते हैं। बेटे इस शहर में जो भी आते हैं वो कुछ ही दिनों के लिए सहारा चाहते हैं, उसके बाद या तो वो अपने खड़े होने की जगह बना लेते हैं या फिर थक हार कर वापस चले जाते हैं। खैर आने दो बच्चों, आने दो। ला 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 ला। लो भैया चाय लो पियो। अरे खाने दो ना फजलू चाचा। खाने दो ना फजलू चाचा, एक तो दुकान पर बैठेगा नहीं और बैठेगा तो यूं भेड़ बकरियों का माल चराएगा, आज तेरी चाची से फिर शिकायत करनी पड़ेगी। अरे नहीं फजलू चाचा, फजलू चाचा। बन्ने भाई सलाम वालेकुम। बन्ने भाई। अरे वालेकुम सलाम। कसम से अख्तर भाई आज तुम सबको ही याद करें। फजलू चाचा सबके लिए चाय हो जाए। सबके लिए चाय हो जाए? अरे तो नाराज क्यों होते हो, आज हम फोकट की नहीं पी रहे, ये लो पैसे। अरे अभी लाया, अभी लाया, बैठो आता हूँ। कितना खुश हो गया चाचा, अब चाय अच्छी बनेगी। बिल्कुल आओ बैठो। और बताओ क्या खबर? बस पीर बाबा के उसकी तैयारी जोरों पे है। बड़ा मजा रहेगा बने भाई, खा पी के जरा तगड़े हो जाओ, कल सारी रात गाना बजाना चलेगा। अरे लाओ चाचा। अरे भाई बनने, अपनी मर्जी से चाहे जो गाना, लेकिन हमारी फरमाइश पर अनवर का वो कलाम जरूर सुनाना जो जितनी बार सुनो दिल चीर के रख देता है। कौन सा?
अरे वही दिल के जख्मों को दिखाते मुझे शर्म आती है, शर्म यारों को दिलाते मुझे शर्म आती है। बाबा फजलू चाचा बाबा बाबा यार अनवर भाई है ना गुजरी हुई कहानी बनकर रह गए। कितनी कोशिशें की थी हम सब ने कि बंबई जाकर अनवर भाई कुछ बन जाए, ऐसे गाने लिखे कि जब भी रेडियो खुले तो उन्हीं के बोल सुनाई पड़े, मगर जाने कहां गुम होके रह गए। एक बात कहें बन्ने भाई, अपने अनवर भाई तो बोधे निकले, मगर बंबई जाकर एक बार आप गाना शुरू कर दें तो सबकी छुट्टी हो जाए। अमा छोड़ो, जो मजा पीर बाबा की मजार पर गाने में है वो बंबई में कहां। कल तुम बंबई जा रहे हो। अम्मी आप हमें बंबई भेज रही है? अम्मी से क्या पूछता है, मुझसे बात कर। समझ ले घर से तेरी एकदम मदद बंद, बंबई पहुंचो, चार पैसे कमाना सीखो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, समझे। लेकिन फूफी हम आपके और अम्मी के बिना। इतना ही प्यार है फूफी और अम्मी से तो जल्दी ही कुछ बंद कर लौटना, हम चैन से जी तो न पाए कम से कम मर तो सकेंगे। हम चले जाएंगे फूफी, लेकिन कल तो ना भेजिए, बाबा का उर्स आ रहा है और हमारे बिना। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, तैयारी हो चुकी है, सुबह सोकर जल्दी उठना। शकील भाई का पता और रास्ते का खर्च तेरी जेब में है, इसमें मिठाइयां हैं और सभा के लिए चूड़ियां, सीधे उसके हाथों तक पहुंचा देना, ले। अम्मी, हम बहुत जल्द घर आएंगे, तुम फिक्र मत करना। अख्तर भाई, बन्ने भाई गांव छोड़ने से पहले पीर बाबा की जियारत जरूर कर लेना। करते हैं तुमको देकर दिल का नजराना, कसम पीर बाबा की कसम पीर बाबा की रस्में वफा निभाना, अपने प्यारे बनने हाँ हरदम तुम आबाद रहो, जहाँ रहो जैसे भी रहो, ये दुआ है कि तुम शाद रहो। शहर की अंधी भीड़ में खोकर हमको भूल न जाना, जीत की माला गले में एक दिन लौट के आना, एक दिन लौट के आना, हाँ लौट के आना।
आदाब अनवर साहब, ये चार किताबें लौटा रही हूँ। सुनिए। अरे वाह, आ गया मेरा मनपसंद दीवान। सुनिए, इसे पूरे हफ्ते के लिए मेरे नाम इशू कर दीजिए। आप महीने भर रखिए। जी जी, क्योंकि ये लाइब्रेरी की मलकियत नहीं, मेरे निजी जखीरे का एक मोती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। जी क्लास शुरू होने में वक्त है, अगर आप कहें एक एक कप चाय हो जाए। जी नहीं, आप शायद भूल गए, इंटरवल के बाद गालिब यूनिवर्सिटी के मौके पर मुशायरा होने वाला है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। तो मैं चलती हूँ। आदा आदा। वाह 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 वाह। समय हाजरात की खिदमत में मिर्जा गालिब का एक और खूबसूरत कता पेशे खिदमत है। इश्क इश्क रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। कहता है कौन नाले बुलबुल को बेअसर, कहता है कौन नाले बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए। अब हमारे स्कूल के लाइब्रेरियन नौजवान शायर अनवर राही साहब अब आपको अपना कलाम पेश करेंगे। अनवर राही साहब आइए। शुक्रिया। जिस बड़े नाम के कदमों तले हम बैठे हैं, वहां मुझ जैसे अनाड़ी का कुछ कहना यूं तो गुस्ताखी होगी, फिर भी कोशिश करता हूं। कफस में मयसर सही आबोदाना, कफस में मयसर सही आबोदाना, मगर आशियाना है फिर आशियाना, मगर आशियाना है फिर आशियाना। कयामत किसी दिन यहीं से उठेगी। क्या क्या बात है, बहुत कयामत किसी दिन यहीं से उठेगी। कयामत किसी दिन यहीं से उठेगी। सलामत रहे आपका आस्ताना, सलामत रहे आपका आस्ताना, सलामत रहे आपका आस्ताना। वाह वाह क्या बात है, जवाब नहीं, बहुत अच्छा, मरहबा बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। मुलाहिजा फरमाइए। अजब चीज है दास्ताने मोहब्बत, अजब चीज है दास्ताने मोहब्बत, अजब चीज है दास्ताने मोहब्बत। कहो तो हकीकत सुनो तो फसाना, कहो तो हकीकत सुनो तो फसाना, कहो तो हकीकत सुनो तो फसाना। वल्ला हमें तो ख्वाब में भी गुमानना था कि आप इतने खूबसूरत अशार कहते हैं। जी शुक्रिया। आपका कोई मजमुआ शाया हुआ हो तो बताएं, हम पढ़ना चाहेंगे। मजमुआ तो नहीं, वैसे काफी कुछ लिख रखा है, आपको पसंद है तो धीरे धीरे सब पढ़वा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हमारी बस आ गई अनवर साहब, खुदा हाफिज। देख लो भाई, पूरे 10 किलो है।
ये लो। आपका मेहमान आ गया अब्बू। अरे यही फिक्र लगी हुई है बेटे, 4 बजे बस का टाइम था, अब 6 बज रहे हैं, कहीं फंस तो नहीं गया बेचारा। ओफो अब्बू, कोई ना कोई फिक्र के बिना आपको खाना हजम नहीं होता। अरे बच्चा थोड़े ही है, आ जाएगा अभी। हाँ। आप आराम से बैठिए, हम आपके पसंद की सब्जी बनाएंगे अभी। अच्छा कहाँ रह गया पता नहीं। हम आ जाए जी। अरे बन्ने मियां, आओ आओ आओ। जी आदाब। आदाब जी, तो रहो बेटे, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। अरे सबा सबा बेटे, देखो बन्ने मियां आ गए। अच्छी 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 अच्छी, हमें बाद में देखिएगा, पहले अंदर देखिए, कुछ जल रहा है। अच्छ सचमुच कुछ चल रहा है। चलो बेटे बैठो। ये आपकी दुकान है? हाँ बेटे, दुकान और मकान एक ही समझ लो। अच्छा। हाँ। फिर तो मजे, हमारी दुकान तो घर से काफी दूर पड़ती है। अच्छा। एक ही जगह होती तो कम से कम रोज की डांट डपट से तो बचते। आओ बैठो। बेटे बस लेट थी क्या? जी नहीं, लेकिन वो एक लंबी कहानी है। अच्छा अच्छा, सामान नहीं है कुछ? सब बस में ही छूट गया, वही तो कहानी है। ये पोटली तो इसलिए बची रह गई कि पूफी ने कहा था कि सीधे सबाबी के हाथों तक पहुंचा देना। ये आपके लिए। ओ, शुक्रिया शुक्रिया। आते थे लाइए। अरे लाइए ना। ये चूड़ियां आपके हाथों पर क्या जच रही हैं, क्या सज रही हैं। खुदा बुरी नजर से बचाए। तो चल आइए। अरे लाइए ना। वाह, ये चूड़ियां भी बड़ी किस्मत वाली हैं जो इन कलाइयों तक पहुंच गई। अब लिख दीजिएगा उनको कि बन्ने ने चूड़ियां सीधे आपके हाथों तक पहुंचा दी। लिख देंगे ना आप? बड़ों का कहा खूब मानते हो बरखुरदार। भाभी और तुम्हारी अम्मी खैरियत से तो है ना? जब तक हम थे तब तक तो थी, अब अल्लाह जाने। भाई आदमी बड़े दिलचस्प हो तुम। शकील मियां। अमा जुम्मन मियाँ, आता हूँ। सबा जी? बेटे काम करो, बन्ने मियाँ को चाय नाश्ता करा दो और 2 प्याली चाय बाहर ले आना, तुम्हारे जुम्मन मामा आए। हाँ जी। अरे आओ मेरे भाई आओ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत? अल्लाह का करम है। अजमेर शरीफ का तबर्रुक। तबर्रुक? अरे वाह, अजमेर शरीफ का तबर्रुक बड़ा मुकद्दस होता है भाई। बड़े मुकद्दर वाले हो जो हर साल अजमेर शरीफ की हाजिर अगा कर आते हो। और एक हम है कि हम आपको तो हर बार कहते हैं चलने के लिए। क्या करें जुम्मन मियां, घर में जवान बेटी है, उसे अकेली छोड़कर जा भी तो नहीं सकते। खैर बैठो, बिटिया चाय लाने वाली है। शुक्रिया। चाय? चाय? चाय हम नहीं पीते। पूपी कहती है चाय पीने से रंग काला पड़ जाता है। दूध ले आइए और जरा मिलाई मिलाई डालकर। दूध? ठीक है, बाजार से लाए देते हैं। यहाँ दूध खरीदा जाता है? आपके यहाँ भैंस वैंस नहीं है? जहाँ इंसानों के ही रहने के लिए जगह मुश्किल से मिलती हो, वहाँ गाय भैंस कहाँ बंधेंगी। अंदर की तरफ बाल्टी में पानी रखा है, जब तक हम दूध लेकर आए आप नहा लीजिएगा। लेकिन नहाने के बाद हम पहनेंगे क्या? हमारा बक्सा तो बस में ही रह गया। वहाँ अबू का कुर्ता टंगा है, आप वो पहन लीजिएगा। वो हमें चुभेगा। अम्मी ने तो बस हमें रेशमी कुर्ते ही पहनाए हैं।
इतने से पानी से हम क्या नहाएंगे? अरे आप नहाए नहीं अभी तक? जी इतने पानी से तो हमारा मुंह भी नहीं धुल पाता। सुबह कुआ हुआ दिखा दीजिएगा, जी भर के नहा लेंगे। जरा से दूध से हमारा कुछ नहीं होने वाला, बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खिला दीजिए ना। और हाँ, मूंगी का हलवा जरूर बनाएगा, उसके बिना हमारी नियत नहीं भरती। अरे भैया आज से पाव भर दूध ज्यादा देना। क्यों, कोई मेहमान आया है? चाय बनने की? चाय वो चाय नहीं पीते अब्बू। अब्बू ये कहीं के नवाब हैं क्या? क्यों, क्या बात है बेटी? चाय ये पीते नहीं, सूती कपड़े इनको चुभते हैं, खाने में हलवा चाहिए और नहाने को कुआं चाहिए। बात क्या है बेटे, के बाप के गुजर जाने के बाद उसकी पुपी और अम्मी ने बड़े नाजों से पाला है उसे, और मुझे ताज्जुब तो इस बात का है बेटे कि उसे यहां भेजने के बाद वो दोनों बेचारियां जी कैसे रही होंगी। समझ जाएगा, साफ समझ जाएगा बेटे, यहां की पथरीली जिंदगी मखमली एहसासों का गला घोटने में देर नहीं करती। फिर भी आप बात करके तो देखिए, आखिर करना क्या चाहते हैं वो यहाँ पर? ठीक है, मैं आज ही उससे पूछ लेता हूँ। बाबा सलाम। बाबा सलाम। सबा भी जीते रहो बेटे, जीते रहो। भाई सबा कह रही थी तुम चाय नहीं पीते। वही तो, अब यहाँ यही मुश्किल पड़ेगी। सबा भी कह रही थी कि यहाँ भैंस तो है नहीं, और हमें तो भैंस के थन से ही पीने की आदत है। कोई बात नहीं, यहाँ गिलासे पी लेना बाबा। हमें फारिग होना है। अच्छा? यहाँ से खेत तो काफी दूर पड़ते होंगे। कोई बात नहीं, बाहर निकल कर दाएं घूम जाना, सामने संडास बने हुए हैं, बस क्यों में लग जाना। अच्छा, जाओ। अच्छा। बाबा हाँ, ये क्यों क्या होता है? लाइन लाइन बेटा लाइन, ये बंबई शहर है, यहाँ हर जगह लाइन लगानी पड़ती है। बस के लिए लाइन लगानी पड़ती है, रेल के टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती है, डॉक्टर की दुकान में लाइन लगानी पड़ती है, राशन की दुकान में लाइन लगानी पड़ती है, और यहाँ तक के संडास के लिए भी। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? बाबा ये लाइनों का चक्कर सुनकर हमारा पेट घबरा गया है, अब कल फुर्सत में सोचेंगे। बड़े कमाल के आदमी हो यार। खैर ये बताओ, किस तरह के काम की तलाश में आए हो? काम? काम तो हमने कभी किए ही नहीं। मेरा मतलब है तुम्हें आता क्या है? गाना। हमारे दोस्त कहते हैं कि हम जानी बाबू से ही बेहतर गाते हैं, सुनाए।
नहीं नहीं फिर कभी फुर्सत से सुनेंगे। हाँ अबू, हमारे स्कूल का टाइम हो गया अबू। अच्छा। हम चलते हैं, लेकिन आप खाना और दवा वक्त से ले लीजिएगा। ठीक है बेटा। अरे सबा भी, हमें बम्बई नहीं घुमाएंगे? बाबा सुना है बम्बई बड़ी घूमने लायक जगह है। एक काम करो बेटा, मदरसे की छुट्टी के बाद बन्ने मियो को बम्बई घुमा देना है? जी। भाभी, अरे बेशरम बेहया, मेरा हाथ पकड़ता है मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। हम आपको सुबह भी समझे थे। सुबह भी हम आपको सुबह भी समझे थे। हाँ हाँ सुबह भी समझे। अरे अरे सुबह भी बेशरम कहीं के सुबह भी एक तो हाथ पकड़ता है। अरे सुबह भी 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 क्या हुआ? सुबह भी क्या हुआ? हम सच कहते हैं सुबह भी, हमने आपको ही समझ के इनका हाथ पकड़ लिया था। माफ कर दीजिए, पहली बार बम्बई आए हैं, गलती हो गई, प्लीज। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। लीजिए आइसक्रीम खाइए। लेकिन से खाते कैसे हैं? मुंह से। खाकर बताइए ना। हम खा चुके। बताइए ना। ओहो ऐसे। ओ ऐसे अच्छे। और चाटेंगे? जी नहीं शुक्रिया। सबाबी कुछ पैसे दीजिए ना। ये क्या है? गजरा। कितना फपता है आपके बालों में और खुशबू भी कितनी बढ़िया है। ये चार किताबें मेरे नाम से कैंसिल कर दीजिएगा। क्यों पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं, दरअसल आजकल पढ़ने को ज्यादा वक्त नहीं मिलता, घर में मेहमान हैं और। ओ समझा। शायद इतनी छोटी सी चीज के लिए वक्त निकल आए। क्या है ये? उस दिन आपने मेरे अशार पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी, ये एक छोटी सी नज़्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम पढ़कर कल ही लौटा देंगे। नहीं नहीं लौटाइए नहीं, अपने पास ही रखें। शायद इसी बहाने आपके पास मेरी इतनी नज़्में जमा हो जाएं कि एक मजमुआ शाया हो जाए। इंशाल्लाह। अब इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखिए आपके अनवर साहब ने क्या लिखा है। गोरी गोरी बाहों में लाल लाल चूड़ियां, बन्ने आप कौन है, क्यों आए हैं हमारा चैनो करार छीनने।
सलाम हो जाए अगर कबूल हमारा सलाम हो जाए। सभा बेटे एक्सक्यूज मी जी क्या आप बता सकते हैं इस वक्त सभा कहाँ होगी? यू मीन मिस साबा खान? जी हाँ जी क्लास की बेल होने ही वाले हैं आते ही होंगे। पिंकी तू किन ख्यालों में खोई हुई हो? हम तुम्हें नजर तक नहीं आए। I'm sorry अनवर साहब, ये है हमारी प्यारी सहेली पिंकी। हम दोनों साथ ही पढ़ा करते थे। और पिंकी, ये है अनवर राय साहब। बहुत कमाल के शेर कहते हैं भाई, हम तो इनके जबरदस्त फैन हैं। और चूड़ियों पर तो इन्होंने ऐसी खूबसूरत नज़्म लिखी है कि सुनेगी तो खिल उठेगी। तेरी तरह फिर तो अनवर साहब अब आपको नहीं बख्शा जाएगा। एक रोज फुर्सत में जम के शेरो शायरी का सेशन होगा, मगर आज तो ये बहुत मुश्किल से काबू में आई है। चल अनवर साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। खुदा हाफिज़। गनीमत है तूने अनवर साहब के सामने बकबक नहीं की, वरना हम तो शर्म से पानी पानी हो जाते। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरे चेहरे की रंगत से धोखा हो गया। पर एक बात तो पक्की है, न सही अनवर साहब, मगर कोई तो साहब जरूर है जो बार बार तेरी चूड़ियों में खनक जाते हैं। क्यों? तेरी इस धक से पकड़ी गई ना? तुझे मेरी कसम, सच सच बता क्या चक्कर है? तुझे पहले कभी इतनी ढेर सारी चूड़ी पहने देखा नहीं? पहनी कहाँ, पहना दी है किसी? हाय राम, बात यहाँ तक पहुँच गई और मुझे खबर तक नहीं। ठीक है, आज मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मुझे सारी बातें खुलकर नहीं बताएगी। चल बैठ गाड़ी में, घर चलते हैं। चल चल ना। सबाबी, बाबा हमारे काम से आज बहुत खुश हुए। आज हमने बहुत सारी खाली बोतलें, खाली डब्बे और रद्दी खरीदी। सबाबी, हमें आए हुए यहाँ 10 रोज हो गए, धंधे से भी लग गए। अब हमारी अम्मी को एक खत तो लिख दीजिए, बेचारी फिक्र करती होंगी।
क्या लिखना है? प्यारी प्यारी अम्मी, बनने का आदाब। आगे हम यहाँ पहुंच तो गए, मगर हमारा सारा सामान कपड़े लत्ते बस में ही छूट गए। ऊपी को कहिएगा हमने उनकी बात मानकर चूड़ियों की गठरी हाथ से नहीं छोड़ी। सो राजी खुशी चूड़ियां हमने सबाबी के हाथों तक पहुंचा दी। लिखने में वक्त लगता है, जरा आहिस्ता बोलिए। जी माफी चाहते हैं, उनके हाथों तक पहुंचा दी। उनके हाथों में चूड़ियां सच बहुत खिल रही हैं। अम्मी ये शहर बहुत बड़ा है, नई नई चीजें भी हैं यहां, पर कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई अपना नहीं लगता। अगर सबाबी नहीं होती तो हम दूसरे दिन ही भाग आते। सच बहुत अच्छी है वो। ये चिट्ठी हम उन्हीं से लिखवा रहे हैं। हाथ तो आपने थाम रखे हैं, हम लिखें कैसे? लिखिए। अब तो हम धंधे से भी लग गए हैं, तुम हमारी फिक्र मत करना, हम जल्दी ही आएंगे। फूफी फजलू चाचा सारे दोस्तों को हमारा सलाम कहिएगा। और हाँ कल्लो और पीर बाबा को हमारा याद करना कहिएगा। अच्छा से भाभी शबक है। आई है तो देख सिर के बल दौड़ी चली आई। ये क्या आटे की साड़ी सिलाई? तू भी यार। अरे ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तेरे बर्थडे पर दी थी। सलवार कमीज बना रही है? उस दिन जिनका जिक्र किया था ना, कौन बनने? उनका सामान बस में रह गया था, उन्हीं के लिए कुर्ता पजामा सी रहे हैं। मेरी दी हुई गिफ्ट का? I'm sorry, पिंकी, मजबूरी थी। वो सस्ते मामूली कपड़े पहनते नहीं और जैसे पहनते हैं वैसे सिलवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। माफ कर दे। माफी मांग सकती है, पैसे नहीं मांग सकती। तू तो हमें जानती है ना पिंकी। अच्छी तरह से, पर तेरा ये रूप मुझे कुछ नया नया सा लगता है। ये एहसास भी तो नया ही है। ओहो तो ये बात है। सबा तू जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हो गई? शायद। ये शायद बात का चक्कर नहीं है, यहाँ सब कुछ क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए। मगर जो बात तूने मुझे बताई थी, बन्ने कहीं से भी तेरे क्लास का नहीं लगता। कहाँ वो गांव का भोला भाला अनपढ़ लड़का और कहाँ तू, निभा पाएगी उसके साथ? उतनी दूर का तो हमने सोचा नहीं, लेकिन एक बात सच है, इन 22 सालों की जिंदगी में भीड़ तो बहुत देखी, लेकिन भीड़ से हटकर इंसान पहली बार ही देखा, ऐसा जैसे शबनम का एक कतरा। अमा शकील मियां तैयार हो? आ गए भाई आ गए। आ जाओ आ जाओ। जी सलाम सलाम। भाई जुम्मन मियां, अल्लाह ने वक्त पर बन्ने मियां को भेज दिया, बस इसी से बेफिक्र होकर ख्वाजा साहब के दरबार में जाने की घड़ी आ गई। बड़ा सवाब मिलेगा बेटे। अबू। हाँ बेटे। दवा वक्त पर लीजिएगा। हाँ बेटे। चले। हाँ बेटे। अबू। हाँ बेटे। वापसी कब होगी? बस इंशाल्लाह ही तुम्हारे साथ ही मनाएंगे बेटे। जी। चले खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज का दूसरा सबक है दुनिया, वर्ल्ड। क्या बोलिए बोलिए, क्या? दुनिया, वर्ल्ड। शाबाश। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, जिनमें से एक है हमारा भारतवर्ष।
हमारा इंडिया नहीं, अनिल कपूर का मिस्टर इंडिया। शौकत चलो खड़े हो जाओ, मुर्गा बनो। खामोश। पढ़ाई में हमें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? और पढ़ाई के बाद? खामोश। आप बीच में मत बोलिए। आज जो सबक पढ़ाया उसे दोहराइएगा, और कल जो नहीं बता पाएगा उसका कुकड़ुकू। चुप। बन्ने साहब, आपको अगर यहाँ आना है तो मुंह बंद। पापा, आज का सबक दोहराने के बाद टीवी देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हो। चली गई, चलो मेरे साथ। ए शाबाश। मेरे शेर भाई बहुत अच्छा। लालू बुरा याद आ गया। आजा आजा। शाबाश। अब तुम तीनों कान खोल कर सुन लो। ये क्या देखने की चीज आई तो चल दिए। हमारी ये टॉप की हीरोइन है। वो क्या होता है? फिल्म की नंबर वन हीरोइन, एक्टिंग में भी और खूबसूरती में भी। ये? हाँ, इससे हजार गुना खूबसूरत तो हमारी सबा भी है। सबाबी, सबाबी आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? कितनी तो खूबसूरत हैं आप। वो टॉप की हीरोइन तो आपके सामने पानी भरती है। हम आपको अच्छे लगते हैं। हमें क्या, आप तो सबको ही अच्छी लगती हैं। आप हैं ही ऐसी। इस बार गांव जाएंगे तो एक अपनी तस्वीर दे दीजिएगा, दोस्तों को दिखाकर कहेंगे देखो हमारी सबाबी एकदम परी है परी। हाय अल्लाह। आदाब। आदाब। आपसे कुछ खास काम था। फरमाइए। आपने पहले जो नज़्म दी थी उसी रंग की कोई और दीजिए ना। जी जी आइए। लीजिए, इन सब में एक ही रंग है, मोहब्बत का। लजा गए, शर्मा गए, दामन छुड़ा गए, ए इश्क मरहबा, वो यहां तक तो आ गए। हेलो पिंकी, कैसी है? बहुत दिनों से ना कोई फोन ना मुलाकात। तू भी तो फोन कर सकती थी, मगर तुझे उस शबनम के कतरे से फुर्सत मिले तब ना। फिर वही बकवास। अच्छा एक काम कर, तू सीधी यहाँ चली आ, फिर दोनों बैठकर गप्पे मारेंगे। लेकिन यार मैं तो बीमार हूँ, दो दिन से बिस्तर में पड़ी हूँ। क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं? पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा हम अभी घर से होकर तेरे पास सीधे आते हैं। अरे सुन, अकेली मत आना, उसे भी साथ लाना। किसे? अरे वही यार, तेरा भीड़ से हटकर इंसान। ओके बाय, जल्दी आना। कैसा लगा? बिल्कुल जानकट पड़ा। क्या हुआ सबाबी? कुछ नहीं, इसे कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। क्यों? जी बीमार पड़ी है, पर मेहंदी लगाए बिना नहीं रहा गया। अरे वो अल्पना की शादी पे गई थी ना, तो वहीं लगा दी। तू नहीं आई, वरना तुझे भी लग जाती। इनको मेहंदी हम लगा देंगे। आपको लगाने आती है? अरे गांव में सभी लड़कियां हम ही से मेहंदी लगवाती हैं। अच्छा? हाँ। बहुत देर हो गई, अब चलते हैं, फिर आएंगे। चलिए चलिए। अपना ख्याल रखना। और तू भी। बाय। सब अभी ईद कब की है? ईद दो रोज बाद, उसी दिन तो अब्बू की वापसी है। तो ठीक है, उसी रोज हम आपको मेहंदी लगाएंगे, और देखिएगा हमारे हीना का रंग इतना पक्का होता है कि मुद्दा तो नहीं छूटेगा। सच कह रहे हैं।
झूठ तो हम कभी बोलते ही नहीं, चाहे तो आजमा लीजिएगा। हमें भी आजमा ले जाने मैन। ये हुस्न और काफिर जवानी, कौन झूठ बोलेगा तुमसे? आप मुंह संभाल के बात कीजिए। ये होश में नहीं है, इनके मुंह मत लगिए। चलिए ए भेड़ू, देख ले इसको। ज्यादा हो रहा है क्या? अब आप जाइए, खुद आगे ले चले जाइए।
मजा आ रहा है ना बन्ने भाई? अरे जरा इधर आओ। क्यों? एक बात पूछनी तुमसे। आप पूछो। एक बात बताओ सलीम, किसी से मोहब्बत हो जाए तो कैसा लगता है? जो अभी तुम टीवी पर देख रहे थे। अम्मा ऐसे नहीं, जरा समझा कर बताओ। अपना तजुर्बा तो कुछ यूं है बन्ने भाई, जैसे ही वो सामने दिखे हाथ पैरों में कुछ रेंगने सा लगता है। वो तो हमें भी, और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बिल्कुल ठीक, जी चाहता है उसे बाहों में लेकर। बस 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 यार, मगर ये बताओ, ये कैसे मालूम पड़े कि उसको भी प्यार हो गया है? वैसे तो दूसरी तरफ से भी सिग्नल मिलने ही लगते हैं, पर सीधे पूछ लेने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, सिर्फ दो चार जूते ही पड़ सकते हैं। पढ़ने दो, कोई बात नहीं है। सब अभी, आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? हाँ। बताइए ना सब अभी, क्या किसी को देखकर आपके हाथ पैरों में भी कुछ रेंगने लगता है? हाँ। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जोर से। सब अभी कहाँ खो गई? सब अभी आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। आपको कभी किसी से मोहब्बत हो गई? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे सवाल करते, वो भी हमसे। जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए। जाते हैं, हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ना जाने हमारे मुंह पर ऐसी बात कैसे आ गई। कसम से अब हमारे दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं। मैं खुदा के लिए माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लिल्ला, हम कह पाते कि हमने किसी से नहीं बल्कि आपसे और सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। मुंह अंधेरे कहाँ चल दिए, कहीं रात की बात पर। सलीम भाई जरा सुनिए। जी। आपने बन्ने को देखा है कहीं? हाँ, अभी बाहर जाते हुए देखा। क्यों, कोई खास बात? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। आदाब। आदाब। सबा, सबा बेटे। अबू आप? आदाब अबू। जीती रहो, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो बेटी? आप ही का इंतजार कर रहे थे अबू, आपने कहा था ना हम ईद इकट्ठे मनाएंगे। आहा? और आज ईद है। आइए अबू। आ जाओ आ जाओ, ईद का मौका है और तुम तो जानती हो बेटी कि बहुत से काम होते हैं, फिर तुमने बन्ने मियां को काम पे जाने से रोका क्यों नहीं? हम भीतर थे अबू, न जाने कब निकल गए। ठीक है, मैं नमाज के जा रहा हूँ, रास्ते में देख लूंगा, और अगर वो यहाँ आ जाए उसे रोक के रखना। अच्छा, कहाँ चले गए बन्ने, कहाँ ढूंढे आपको? अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम माफी चाहते हैं, मगर खुदा के लिए वापस आ जाइए। बन्ने, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुमसे? क्यों कर बैठे ऐसी बेवकूफी? क्या सोचती होंगी सब अभी तुम्हारे बारे में? तुमने तो ईद के दिन उन्हें मेहंदी लगाने का वादा किया था। हम वादा नहीं निभा पाए, हम करते भी क्या? देखिए ये हाथ आपकी मेहंदी के इंतजार के रंग में
सूने पड़े हैं। आ जाइए, खुदा के लिए आ जाइए, हमारी खुशियों भरी ईद के रंग को सूना मत कीजिए। आ जाइए। हाँ भाई, मेरा नंबर तो 5 है, तुम्हारा? हाँ, मेरा 6। यहाँ क्या है साहब? अरे भाई, ईद की खुशी में कव्वाली का शानदार मुकाबला हो रहा है। बम्बई की मशहूर सिंगर सईदा खानन के सामने उस्ताद कल्लन मैदान में है। अच्छा, कव्वाली है? हाँ, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हाँ भाई, चलो चलो। अरे ओ भाई साहब, आपका टिकट? टिकट? टिकट तो हमारे पास नहीं है। टिकट नहीं है तो चलते फिरते नजर आओ, जाओ जाकर टिकट खरीदो उधर से। हाँ चलो चलो। अरे रास्ता मत रखो, इधर चलो, जाओ उधर से टिकट लेके आओ पहले। सईदा खानम के सामने तो कोई टिकता ही नहीं। फूल मुस्काए
चटक उठी, फूल मुस्काए, कलियां चटक उठी, गुलशन नशे में झूम उठा, गुलशन नशे में झूम उठा, जुल्फे हटा के चेहरे से, जुल्फे हटा के चेहरे से, जानम ने जब कहा, है इश्क मरहबा, है इश्क मरहबा, है इश्क मरहबा, है इश्क मरहबा, फूल मुस्काए, कलियां चटक उठी, फूल गुलशन नशे में झूम उठा, गुलशन नशे में झूम उठा, जुल्फे हटा के चेहरे से जानम ने जब कहा, ऐ इश्क मरहबा, ऐ इश्क मरहबा, ऐ इश्क मरहबा। बख्त दिल बेकार था, जीने से भी बेजार था, कमबख्त दिल बेकार था, जीने से भी बेजार था, बचपन से ही बेकरार था, जैसे हर बात से लाचार था, खुशियों से अब चल गया, खुशियों से अब चल गया, हर को चूम चूम कर, जाने जा का सलाम आ गया, मस्त आंखों से जाम आ गया, जाने जा का सलाम आ गया, मस्त आंखों से जाम आ गया, बाहों में हुस्ने तमाम आ गया, धड़कते दिल का मकाम आ गया, अल्लाह वो क्या लम्हा था, माला वो क्या लम्हा था, सांसों में सांसे घोल कर, इश्क मरहबा मरहबा है इश्क मरहबा, इश्क मरहबा है इश्क मरहबा, निसा निसा गा सा गा सा निसा नि पा निसा, निसा निसा गा सा गा सा निसा नि पा निसा, निसा गा सा गा मा गा सा निसा नि पा निसा, निसा गा सा गा मा गा सा निसा नि पा निसा, निसा 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 गा गा सा गा गा सा गा सा गा निसा निसा गा गा सा गा सा निसा गा सा निसा नि पा निसा, निसा गा मा सा गा मा पा गा मा पा मा गा मा पा निसा, चटक उठी, फूल मुस्काए, कलियां चटक उठी, गुलशन नशे में झूम उठा, गुलशन नशे में झूम उठा, जुल्फे हटा के चेहरे से जानम ने जब कहा, मैं इश्क मरहबा, 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 इश्क मरहबा है इश्क मरहबा, इश्क मरहबा, इश्क मरहबा।
जल्दी से घर चलिए, बाबा भी बहुत परेशान है। सुना आपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं? अरे इतने दिनों से यहाँ पड़े हैं, कोई कदर ही नहीं। पकड़ा देते हैं बोरी और घूमा कबाड़ी बनके गली गली। और एक वो है सईदा खानम और उनकी अम्मी, देखा ना आपने, खुद छोड़ गई हैं और कल घर आने की दावत भी दे गई हैं। अरे इसको कहते हैं कदरदानी। एक बात और सुन लीजिए, कल सईदा खानम की गाड़ी लेने आ रही है हमें, कुछ ढंग के कपड़े बनवा दीजिएगा और ऐसे नहीं जरा बम्बैया, समझी? सलाम हुजूर। सलाम। गाड़ी हाजिर है हुजूर, जरा जल्दी करें। क्या बताएं, बेबी ने तो कल से हंगामा ही खड़ा कर रखा है, भूखी प्यासी बैठी है बेचारी, कहती है मुंह जुड़ा करेगी तो आप ही के साथ, जरा जल्दी करें हुजूर। सब अभी हम जा रहे हैं, चलो ड्राइवर। जी हुजूर। मरे जी? ये देख, ये क्या है, आंखें नहीं है क्या? मिट्टी की तह जमी हुई है, ठीक से साफ कर। फकीरे जी देखो झूमर पर कैसी धूल जमी है, खा खा कर छान हो रहे, इधर देख मुए साफ कर जल्दी। अच्छा वाकई। मुंशी जी जरा आप भी इधर नजर डाल लिया कीजिए, इसे आप अपना घर नहीं समझते क्या? हमने तो नजरें डाल डाल कर उम्र गंवा दी है, लेकिन लेकिन आप ही की नजर करम हम पर कभी नहीं। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मुंशी जी, जरा खुलकर कहिए ना। अब कैसे खुले, आप तो सच समझती हैं। हम कुछ नहीं समझते मुंशी जी, आप समझा दीजिए ना। तो फिर सुनिए, आपके हुस्न ने, आपकी निगाहों ने, आपकी अदाओं ने हम पर ऐसा जादू किया है, ऐसा जादू किया है कि हम ये बात है। अरे ये तो हम जानते हैं और ये भी जानते थे कि आप बेवकूफ हैं, लेकिन आप पहुंचे भी थरकी हैं कि आज पता चला। अपनी औकात समझो, अब बाहर जाके इंतजार करो, बनने में आते होंगे, जाओ। चिल्लाते क्यों, घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम्हें आराम सूझा है? कभी घर का काम कर लिया करो कलन, फिलहाल जरा मेरा पीकदान ले आओ, जल्दी करो। निचलना कहीं का पनुआ के पतुआ से चिकनी मोरी गोरी रे, पनुआ के पतुआ से चिकनी। वाह वाह प्यारे भाई, सुभान अल्लाह क्या ख्याल है, पनुआ के पतुआ से चिकनी मोरी गोरी रे। हाय हाय प्यारे भाई, इसी बात पर एक पप्पी दे दो। ए? दुई रुपया माँ पप्पी ना ही मिलत मुंशी। हाँ कल तक तो मिलती थी, हा? ये रातों रात रेट बढ़ा दिया क्या? अरे काहे नहीं बढ़ावे भैया, अरे बम्बैया जैसी फुसफुसी पप्पी ना ही है, मीठी मीठी बनारसी पप्पी है जो माशुक का मन मोह लेवे हैं। प्यारे लाल जी, अपनी सारी पपिया हमें दे दो, क्योंकि आपकी पपियों ने हमारा इस जगा दिया है। अरे का कहत हो बबुआ, तनी ठहरो। इलो 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 इलो, देखा मुंशी हमार पपी का कमाल। सरकार हाँ जी, एक लड़ी हमें भी दे दीजिए, हमें भी किसी पत्थर दिल को अपना बनाना है। ये लो सरकार। शुक्रिया। अबे ओ मुंशी, तू रंडुआ
ठहरा, अंटनिया तो तेरी सूख चुकी है, इन पपियों का तू क्या करेगा मुंशी? प्यारे हैं? मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। नहीं, नहीं तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तितली बाई के इश्क में मरा जा रहा हूँ। ये पपियां उसी जालिम के लिए है, लेकिन वो है कि मुझे ठरकी कहती है। ठरकी कहती है, अब क्या करें? अब क्या करें प्यारे, अगर वो मुझे नहीं मिली तो ये जिंदगी, ये जीवन और ये शरीर किस काम का? मिल जाएगी तितली बाई, जरूर मिल जाएगी। अच्छा? हम सोचेंगे तितली बाई तुहार इश्क में कैसे फंसे। मुंशी जी हुजूर आ गए। आइए हुजूर आइए, बाई जी और बेबी जी आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठी हैं। आइए तशरीफ लाइए। आइए तो आएगा वह नवा पंछी पर कटरवाने खातिर, भोला बाला बेचारा नसीब का मारा। अरे सलाम कलन भाई, कैसे हैं आप? आइए हुजूर, आप चलिए। आइए सरकार, आइए। आदाब, न जाने हमारी बेबी किसका मुंह देखकर उठी कि आप उसकी जिंदगी में दाखिल हुए। हुजूर, ये जो आप सब देख रहे हैं, देखने में जरूर कीमती है, लेकिन अल्लाह ने आपको जो फन दिया है उसके आगे सब मिट्टी है। आइए ना ऊपर, आइए आइए आइए। अरे मुंशी कभी तो देखकर चला करो, और ये हाथ भी क्या लिए खड़े हैं? पप्पी आपके लिए है। हाय अल्लाह, इतनी सारी पप्पी। माफ कीजिएगा, हम यहाँ खुद नहीं आए, आपकी अम्मी यहाँ छोड़ गई थी, और फिर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये आपका कमरा है। हमारा तो अब कुछ भी नहीं रहा बंदा परवर, जो कुछ है आप ही का है। हम भी जी जी, माफ कीजिएगा, होश खो बैठे इसलिए गुस्ताखी हो गई, आपको बैठने को भी नहीं कहा। आइए बैठिए ना, हम झूठ नहीं बोल रहे, जिंदगी में बहुत देखे लेकिन आपकी वाली बात किसी में भी न थी। कसम से आपकी बेलौस आवाज ने तो हमें आपकी बांदी बना दिया। अब इन कदमों की कदम बोसी का हक आप हमें दे ना दे, लेकिन ये लौंडी यहां से हिलने वाली नहीं। आप जब गा रहे थे तो ऐसा लगा जैसे सातों सुर आसमान से उतरकर सामने आ गए हो, जैसे चारों तरफ फूलों की बरसात होने लगी हो। लिल्ला, हम तो दीवाने होते चले गए। खाना लग गया बेबी, आते हैं। हमारी मुलाकात की पहली शब के नाम। नहीं नहीं हम नहीं पीते। अरे क्या समझ रहे हैं आप, हम आपको शराब पिला रहे हैं? तौबा तौबा, गाने वालों को तो इसका सख्त परहेज रखना चाहिए। ये तो अंगूर का रस है,
सेहत के लिए बहुत मुफीद। चखिए ना, चखिए। ये क्या, आप जैसा मेहमान पहली बार घर आए और मुंह भी ना जुटाए, ये नहीं चलेगा। रस्म तो आपको निभानी ही पड़ेगी, आपको हमारी कसम। मूंगी का हलवा है ये रहा। बेबी ने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। घर में हम हलवा के बिना खाना नहीं खाते। आज अच्छे बात मजा आ गया। तो उसमें क्या है, बेबी दोनों वक्त आपको हलवे का मजा देने को तैयार है। क्यों बेबी? पता ही समझो गवार। अरे हमने तो ख्याल ही नहीं किया, आप लोग तो कुछ खाई नहीं है। आप क्या कहें, कल रात ही बेबी ने कसम खाई कि वो खाएगी तो आपके ही हाथों से। एक मिनट मुंशी जी। चेहरा लिए क्या बैठे हो? तुमसे तो बन्ने मियाँ के लिए पान लाने को कहा था ना। मुझसे भाई जी? तुमसे नहीं, इस निठल्ले से। ले आए हैं अम्मी जी। अम्मी जी क्यों मिया? ये किस रिश्ते से कहा? हम तो तभी से यही कहते आ रहे हैं जब से आपने सईदा और हमारे निकाह की। ज्यादा ख्वाब देखना अच्छा नहीं। और ये क्या पान लाए? बनने मियाँ को भी तुमने अपने जैसा गधा घोड़ा समझ रखा है। जाओ जरा वर्कशॉप लगा के लाओ। जी जी जी। ये बनने मियाँ देखने में भले ही गंवार और बेवकूफ लगता है, मुंह की आवाज में जादू है। अगर अपनी बेबी के साथ इसकी जोड़ी जम जाए तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम हाथ में आ जाएंगे। मतलब ये कि कल्लन मियाँ बेचारे शहीद कर दिए गए। निकाल बाहर करो उस कमरे। जी जी जी। एक बात पूछनी थी। पूछिए। मेरी वो कैसी लगी? क्या पप्पी? खान साहब इधर आओ। इस मुंशी पर बुढ़ापे में जवानी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। ऐसे आदमी बहुत खतरनाक होते हैं, जरा नजर रखना इस पर। जो हुकुम भाई जी। राम तोरा रखवाला। अरे राम तोरा रखवाला, रे पंछी राम तोरा रखवाला, ओ पंछी राम तोरा रखवाला। हम ऐसे क्यों देख रहे हो? बोरिया बिस्तर बांध लो कल्लन मियाँ, तोहरा दाना पानी तो तितली बाई के घर से उठा ही समझो। क्या भगभग कर रहे हो, चुपचाप पान बांधो। हाँ बांध दिया है, ई लो पान, तुम बांध लो सामान और हमारी राम राम श्रीमान। राम तोरा रखवाला रे पंछी, राम तोरा रखवाला। कल्लन वहीं रुक जाओ, हम खुद आ रहे हैं। ये लो। ये क्या है? भाई जी ने महीने दो महीने के आश्रय के लिए तुम्हें कुछ रुपए दिए। मैं समझा नहीं मुंशी जी।
साफ साफ बता दीजिए कि अब हमें इस बेसुरे की कोई जरूरत नहीं। अगर बन्ने मियाँ वक्त पर नहीं आए होते तो इस मुए ने नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज आपको अपनी नाक की पड़ी है भाई साहब, और पेट की खातिर जो हम रोज रोज अपनी नाक कटाते रहे सो आपके कहने पर हमारा मुकाबला हार कर आपकी बेटी को जिताते रहे, और आज आप हमें दूध की मक्खी की तरह। कल्लन मियाँ, भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से राजी खुशी चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमें तुम्हारा कोई कल पुरसा तोड़वाना पड़े। फकीरा जी, इसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो। तुम हलवैया दुकनिया बर्फ का सब रस ले गई रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बस बहुत हो गया। जुबेदा प्लेटें उठाओ। अच्छा अब हम चलते हैं, सलोनी वाले परेशान हो रही होंगी। खुदा के लिए ना जाइए, हमारे जीने लगेगा। देखिए जान तो पड़ेगा ही, वरना सलोनी हमसे नाराज हो जाएंगी। किसी की नाराजगी की अगर इतनी ही परवाह है तो जाइए, शौक से जाइए। देखिए समझाइए ना इन्हें। अब हम क्या समझाएं? आपकी बला से हमारी बेटी जिए या मरे। जी हमारा मतलब एक कतई नहीं था, घर नहीं जाएंगे तो हमारी सभा भी। सभा भी? सभा भी? यार ये सभा भी कोई हवा है क्या, जब से इनके नाम की धमकी दिए जा रहे हैं। खाने को दो रोटी और सोने को एक टाट, ये भी नहीं सोचती कि आप किस खानदान की चिराग है। क्यों हम गलत कह रहे हैं क्या? तुम्हारे घर की दास्तान सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। लेडी करिक तुम ही तो हो जिस पर उम्मीदें लगी है तुम्हारी माँ की। अरे अल्लाह ने जब ऐसा अनमोल फन दिया है तुम्हें, दौलत तुम्हारे कदम चूमने को तैयार है और तुम सबाबी सबाबी की तस्बीह फेरे जा रहे हो। तुम्हारी माँ के बारे में सुनने के बाद तुम्हारे बारे में सोचते सोचते कितनी दूर तक पहुंच गई मैं। सोचा अगले महीने जो मुल्क के कोने कोने में बेबी के प्रोग्राम होने वाले हैं उनमें तुम्ही को उसके साथ गवाऊंगी। जरा सोचो जब तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी शोहरत के बारे में पता चलेगा तो कितनी खुश होंगी। ठीक है शकील चाचा, सोवी से बात करके हम जल्दी ही आएंगे। यकीन रखिए हम झूठ कभी नहीं बोलते। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहा उठिए। अभी तक सो रहे हैं आप, आज काम पर नहीं जाना क्या? काम जी नहीं, अब हम वो घटिया काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ अब तो आपको वही करना है जो कल रात करके आए थे। शर्म नहीं आई शराब पीकर घर में आते? झूठ, हमने कोई शराब वराब नहीं पी। वो तो सईदा खानम ने कहा था कि अंगूर का रस है जो अपने खास मेहमानों को पिलाती है।
चार दिन यहाँ आए हुए नहीं कि शहरी रंग चढ़ने लगा। सईदा खानम के मोटर और बंगले की चमक दमक के आगे ये तक भूल गए कि आप कौन है और वो क्या है। क्या है? बहुत बड़ी फनकार है हमारी तरह। ओ, तो आप ये भी जान चुके हैं कि आप बहुत बड़े फनकार हैं। जी हाँ, और हम ये भी जान चुके हैं कि यही फन हमें लखपति बना सकता है। हमारे पास एक गाड़ी होगी, बंगला होगा, नाम होगा, शोहरत होगी, और हम अपनी अम्मी और पुभी को लाकर वहाँ रखेंगे और साबित कर देंगे कि हम हमारा निठल्लू नहीं एक हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती, बन्ने खां फनकार लालूपुरा वाले। क्या बात है बन्ने मियाँ, अभी तक काम पर नहीं गए मियाँ? जी वही बात चल रही थी, सईदा खानम अपना प्रोग्राम लेकर मुल्क के दौरे पर निकल रही हैं और उनकी अम्मी हमें उनके साथ गाने को ले जाना चाहती हैं। बहुत पैसा मिलेगा और शोहरत अलग से, लेकिन सबा भी को एतराज है। अबू आप ही सोचिए, कहाँ ये और कहाँ वो। देखो बेटे, तुमने तो एक रोज कहा था ना कि ऊपर वाले ने इसे बहुत अच्छी आवाज दी है, फिर क्यों ना ये उस आवाज का फायदा उठाकर अपना एक मकाम बना ले। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ कि नेक राह पर चलने वाले को बुराई कभी छू नहीं सकती, और तुम भी एक बात याद रखो बेटे, संभल कर चलोगे ना तो कीचड़ से भी बेदाग निकलोगे, समझे? अब तुम सईदा खानम के साथ जा सकते हो। ये रहा आपका कमरा। वो गुसलखाना है, गर्म और ठंडा पानी 2400 घंटे, नौकर चाकर आपकी खिदमत में, और सईदा आपके हर आराम का खूब ख्याल रखेगी। और हाँ, तुम्हारे नए कपड़े और जूतों का भी इंतजाम हो गया है, टूर शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है। अल्लाह तुम्हें और सईदा को कामयाबी दे। जी शुक्रिया। मुंशी जी, मुंशी जी, अम्मा मुंशी। क्या शेर कहा है? मुंशी जी। अरे सुनाई नहीं देता क्या? भाई साहब बुला रहे हैं। अरे मुंशी जी, अरे भाई साहब कब से आवाज पे आवाज दिए जा रहे हैं? अरे अजीब बदसौक इंसान हो यार, देखते नहीं हम मसरूफ हैं? इतनी मुश्किल से तो एक हसीन गजल की आमद हो रही है और आप है कि बीच में टपक टपक। मुंशी जी, न काम न धंधा, जब देखो आंधे पड़े न जाने क्या करते रहते हो। भाई जी, शेर कहना भी तो एक अहम काम है। तुम और शायरी, जरा देखें। जो वो आप ही पर कहने की कोशिश की है। बुझ चुका है तेरे हुस्न का हुक्का, एक हम ही है जो गुड़गुड़ाए जाते हैं। कैसा कहा? पप्पी न सही, थप्पड़ ही सही। कल सुबह की गाड़ी से बन्ने मियाँ वापस आ रहे हैं। हम उन्हें फूलों से खुशामदीद कहेंगे। हेलो, इंक्वायरी? यस जी, ये कलकत्ता मेल वाया अलाहाबाद लेट है क्या? जी नहीं, वो तो 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं। जी 2 घंटे पहले? जी जी, शुक्रिया। सुनिए सबाबी, हम समझ गए सलीम भाई, बन्ने हमारे यहाँ नहीं आना चाहते, वो लोगों ने अपने साथ लिया। हाँ, हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन सबा, मैंने कितना समझाया था तुझे, प्यार कोई नजरों का खेल नहीं, जिंदगी भर का सौदा है,
अरे कोई जोड़ ही नहीं था उसका और तेरा। बड़ी तारीफें किया करती थी ना, बड़ा भोला है, शबनम का कतरा है, आखिर चढ़ ही गया ना शहरी रंग उस पर। फिक्र तो इसी बात की है कि वो आज भी उतने ही भोले और मासूम है। डर लगता है कि कोई उनके जज्बात से खेलकर उनके दिल को ठेस ना पहुंचा दे। सबा, मत रो सबा, रोती नहीं। बन्ने, नौकर ने कहा आप खाना नहीं खाएंगे। हमारा जी नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कहते कि आपका जी कहीं और लगा है? सईदा, हम देख रहे हैं कि जब से टूर से आए हैं आप कुछ उखड़े उखड़े से हैं। अगर हमसे कोई खता हो गई हो तो हम आपके कदमों में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सईदा, यूं ही जी उदास था। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी खुशी ही हमारी जिंदगी है और आपकी उदासी हमारी मौत। हमें मार डालना चाहते हैं तो मार डालिए, आखिर हम आपके लगते हैं कौन है। मगर सुनो बन्ने मियां, सच्ची बात तो ये है, तुम्हें पाकर ऐसा लगा घर में जो बेटे की कमी थी वो अल्लाह ने पूरी कर दी। बस अब तुम्हारी अम्मी और फूफी आ जाए तो हम सब मिलजुल कर चैन से रह लेंगे बेटा। लेकिन हमारी अम्मी अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आएंगी? इसलिए कि हमने ये फैसला कर लिया है कि तुम्हारा और सईदा का निकाह करके दोनों घरों को एक कर लेंगे। फिर तुम्हारी अम्मी दादी बनेगी और हम नानी। तुम्हारी अम्मी ने फैसला कैसे कर लिया? ना हमारी अम्मी से पूछा, ना सबाबी से। कौन सबाबी? वही ना जिसने आप जैसे फनकार को कबाड़ी बना दिया था। वही ना जिसने आपकी मोहब्बत को ठुकरा कर आपको जी भर के जलील किया था। काश काश कभी आपने हमारी आंखों में झांक कर देखा होता तो पाते कि सोते जागते अगर अब यहाँ कुछ है तो आप, आपके सपने, आपकी आरजू और आप ही की तमन्ना। सलाम अर्ज करता हूँ। आप? सुना, क्या बीमार हैं? तो सोचा। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। चेहरे कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। झूठ तो मुंह बोलता है, चेहरा नहीं। ओ आप बैठे, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। ड्राइवर गाड़ी पार करो, मैं अभी आई। नमस्ते पिंकी जी। ओ अनवर साहब, आप? नमस्ते। अच्छा वो आप मिल गए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फरमाइए। इधर आइए। सभा के बारे में सोचती हूँ तो बड़ी परेशानी होती है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से वो स्कूल भी नहीं आई, शायद वो बीमार थी। बीमारी तो उसकी अपनी पाली हुई है। अब आप ही बताइए, एक तरफा प्यार कोई प्यार होता है? जी वो। और क्या, दूसरी तरफ से ना इकरार ना इजहार। मगर इजहार तो। लो वो आ गई। अरे हुजूर, एक नजर इधर भी। अरे पिंकी। आदा बनवर साहब, हैप्पी बर्थडे पिंकी। थैंक यू। ओह, आज आपका बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया। लो मैं इसलिए तो यहाँ आई थी, छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, सोचा आपको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ और इस नालायक को तो मैं खींच कर अपने साथ ले जाऊंगी। सॉरी पिंकी। क्या कहा? नाराज मत हो, हमें कुछ काम है। तो ठीक है मत आना, मगर अनवर साहब आपको तो जरूर जरूर आना है। सुनिए, आपकी पसंद के कुछ अशार कहे थे, फुर्सत हो तो
अब इनकी जरूरत नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बेटा, ड्रिंक सब करो। आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको लंबी उम्र और सारी खुशियां दे। थैंक यू। थैंक यू अन्ना। आदाब। अनवर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? एक तो पहले से ही आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। शराब आपके लीवर के लिए जहर है, जहर। डॉक्टर साहब, जब जिंदगी बोझ बन जाए तो जहरी दोस्त बनकर उसे हल्का करता है। आप फिक्र मत कीजिए। वाह वाह वाह, देखा डॉक्टर साहब, अनवर साहब बातचीत भी करते हैं तो शेरो शायरी में ही करते हैं। अनवर साहब, आज तो कुछ हो जाए। जी। आज तक मैं सिर्फ आपकी तारीफें ही सुनती आई हूँ, कम से कम आज तक कुछ सुना दीजिए। आज आपका बर्थडे है, खुशी का मौका है, और मेरे पास मौके का कहने के लिए कुछ नहीं। तो बेमौके का ही सही, आपको हमारी कसम। थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। चुप चुप है न जाने क्यों जुबान उनकी, नजर खामोश चुप चुप है न जाने क्यों जुबान उनकी, नजर खामोश चुप चुप है न जाने क्यों सुबह उनकी, गमों के बोझ से जैसे, गमों के बोझ से जैसे दबी है दास्तां उनकी, नजर खामोश चुप चुप है न जाने क्यों चुप है न जाने क्यों जुबान की। Thank you.
सुना था वैसा ही पाया। ये मिस सबा जी कहाँ गई? वो घर चली गई। आजकल उसका मन कुछ उचाट सा रहता है। माफी चाहता हूँ, आपने स्कूल में कुछ जिक्र किया था जी। हाँ, एक तरफा प्यार, ना इकरार ना इजहार, कुछ ऐसी ही बातें। हाँ वो, अब क्या छुपाना अनवर साहब, कुछ दिनों पहले उसका एक रिश्तेदार उनके घर आकर टिका था और सबा सबा उसके भोलेपन पर मर मिटी। मैंने उसे लाख समझाया मगर उस पर तो प्यार का जुनून सवार था और वो उसे पागल बनाकर किसी नाचने वाले के चक्कर में फंस गया। कौन था वो, आप जानती हैं उसे? हाँ, उसका नाम बन्ने था। सलाम सबा भी। सलाम का जवाब नहीं देंगी, खफा हैं? आज इधर से गुजर रहे थे, सोचा आप यहीं होंगी। जी, आप ठीक तो हैं? अरे बहुत मजे में, आपको नहीं लगता? हाँ, आए इसलिए थे कि पता कर लें घर से कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई। तो ठीक है, आप अम्मी को एक खत लिख दीजिएगा कि हम ठीक हैं और अपने निकाह की खुशखबरी उन्हें जल्दी भिजवाएंगे। जरा हम जल्दी में हैं, दरअसल सईदा हमारे गाड़ी में इंतजार कर रही हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। और क्या ट्रैफिक था, मैं तो पता नहीं। अरे मुंशी जी, क्या बात है? कुछ नहीं, ऊपर आना तो जरा बर्फ वाले बीड़े लगवा के ले आना।
चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वा ओ आओ आओ बन्ने भाई आओ। अम्मा यार पड़ोसी हो है? कभी दामाद साहब भी कह दिया करो। दामाद। दामाद? अरे तुम मजाक समझते हो? 2 महीने बाद सईदा से हमारा निकाह हो जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हम अपने नन्हे मियाँ को आपके यहाँ लेमन ड्रॉप खिलाने लाएंगे। वाह 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 वाह, क्या ठाट है तुम्हारे दामा साहब। आज कहाँ घूम के आए हो? जरा सईदा के संग चाय को गए थे। अच्छा, और फिर सबाबी से मिलकर सीधा यहाँ। ये सबाबी कौन है? सबाबी हमारी फूफी की चाची की पता नहीं कुछ लगती हैं। अच्छा, गांव से आए थे तो वहीं टिके थे। सच बड़ी अच्छी हैं, मगर पता नहीं सईदा के संग गाने बजाने से बड़ी चिढ़ती हैं। फिर तो वो बहुत समझदार हैं। वो तो हैं। अरे पढ़ी लिखी हैं और इस्लामिया स्कूल में पढ़ाती भी हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये लो अपना पान। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, अरे ऐसा कल जुग आवेगा, हंस चुगेगा दाना और ये कौवा मोती। हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस खुदा की हम सोते जागते परस्तिश करते हैं वो खुद यहाँ हमारे घर चल कर आएंगे। सच हसन साहब, जब वक्त आता है मिलना तभी होता है सईदा। जानती हो, इस बार जब हम दुबई से प्रोग्राम करके वापस लौटे तो जहाँ देखा तुम्हारे चर्चे हैं, अखबारों की हेडलाइंस में तुम्हारी तारीफ है। फिर सईदा, हमें तुम्हारा कैसेट सुनने का मौका मिला, और जब हमने वो आवाज सुनी तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि यार ये तो वही आवाज है जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। ओ हसन साहब, कितनी खुशनसीब हूं मैं। सईदा, अगले महीने हम वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आवाज के इस सफर में तुम हमारी हम सफर बनो। चाहिए जहां ले जाइए हसन साहब। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। खान, तुम यहाँ क्या बात है? जी वो हसन साहब के ड्राइवर ने इसे पहुँचाने के लिए कहा था। क्यों, मुंशी मर गया है क्या? बस मरने ही वाला है, कंबल ओढ़ के पड़ा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है और हाय हाय भी कर रहा है। मरने दो उसे। लाइटी माचिस। इंशाअल्लाह अगले महीने हमारी बेबी भी हसन मियाँ के साथ विलायत में चिड़िया सी चहकती फिरेगी। बेबी हसन साहब के साथ जा रही है? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? जी नहीं, मैंने तो इसलिए कहा कि अगले महीने बेबी और बन्ने मियाँ का। खबरदार, जो उस झाड़ू मरे का नाम भी लिया तो निकल बाहर करो उस कमबख्त को। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, समझे? जी बिल्कुल। अम्मी, ये रहा आपका जर्दे वाला पान, और ये रहा सईदा का। कहाँ जा रहे हो बरखुदार? बेबी आराम कर रही है। तो पान खाने में कौन सी कवायद करनी है? ठीक है बदतमीजी। चलो निकलो ऐसे, निकलो बदतमीज। तुम्हारी ये मजाक,
हमको हमारी बीबी के कमरे में जाने से रोका। ये क्या हंगामा है? आपकी तारीफ, और आप अंदर क्या कर रहे थे? ये साहब कौन है? अरे हम बताते हैं हम कौन हैं। हम हैं मशहूर सिंगर बन्ने खां, लालूपुरा वाले, और इस घर के होने वाले दामाद। दामाद? सईदा की शादी होने वाली है तो तितली बाई, फिर सईदा हमारे साथ वर्ल्ड टूर पर कैसे जाएगी? आपके साथ? अजी भूल जाइए, भला हमारी बीबी किसी गैर मर्द के साथ क्यों जाने लगी? मेरे नास पीटे, कौन सी बीवी, किसकी बीवी, हराम खोर, निकल यहाँ से। ये आपको क्या हो गया? आप ही ने तो सब कुछ तय किया था, और अब आप ही ऐसे? चार जगह बेबी के साथ गाने का मौका क्या दिया हरामी को कि दामाद बनने के ख्वाब देखने लगा? चल निकल यहाँ से। दबाओ, आपको हमें इस तरह दलील करने का कोई हक नहीं है। अरे राम खोर, निकाल बाहर करो इसे, बाहर के निकाल दो इसे। खबरदार, जो कभी इस घर में आओ कोशिश की तो चलो इस घर में कभी कदम नहीं रखना, वरना चोरेंगे तोड़ देंगे। चल 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 चलो, चल छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, पीछा क्या है, चल तोड़ देंगे। चल चलो निकल जाओ यहाँ से, चल नहीं तो मार मार के हड्डी पर स्लेट कर दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, चल देखते क्या हो। मैं सबा बोल रही हूँ। मैं प्यारेलाल बोल रहा हूँ, आप जल्दी से यहाँ पहुँचिए, बन्ने को उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा है। क्या? बहुत बुरी हालत में है, मैं बड़ी मुश्किल से आपको फोन कर रहा हूँ। लेकिन ये तो बताइए मुझे पहुँचना कहाँ पर होगा? आप सीधे वहाँ से टैक्सी लेकर 10 नंबर रोड पे आइए, और 10 नंबर रोड पे जो पहले टर्निंग है वहाँ एक पान की दुकान है, वहाँ उनका बंगला है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी मैं अभी पहुँच रही हूँ। समझ गई ना? जी। कहिए। हमें सईदा खानम से मिलना है। किस सिलसिले में? वो हमें जानती हैं, ये हम उन्हीं को बताएंगे। कौन? कौन हो तुम? आप ही सईदा खानम है? हम उसकी अम्मी हैं। कहो क्या काम है? बात तो उन्हीं से करनी है। समझ लो उन्हीं से बात हो रही है। सईदा को बुलाइए। हाय हाय, बोल तो ऐसे रही हो जैसे उसके नाम का वारंट लेकर आई हो। तुम्हें खान ने अंदर कैसे आने दिया? अम्मी, मैं हूँ सईदा। अब ये बता, तू कौन है? हमारा नाम सबा है। ओफो, तो साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तू ही बनने की होती सोती है? सबाबी। तमीज से बात करो, यानी कि तू हमें तमीज सिखाएगी बदतमीज? पहले ये बताओ बनने कहाँ है? हमने क्या गली के कुत्तों का ठेका ले रखा है? खामोश, बनने को कुछ और कहा तो जबान खींच लेंगे। ओफो, इतनी मोहब्बत थी तो अपने यार को यहाँ आने ही क्यों दिया? तुम लोगों का मीठा जहर उन्हें यहाँ खींच लाया, लेकिन याद रखना हमारे होते कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछती हूँ सईदा खानम, पहले तो तुमने एक भोले भाले इंसान को अपनी मक्कारी के जाल में फंसाया, फिर बेरहमी से उसे मार मार कर यहाँ से निकाल फेंका, क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाए तो। यही पूछना चाहती हूँ ना कि हमने उसे निकाल बाहर क्यों किया? हमारी मर्जी। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम लोगों का मतलब निकल गया था? अरे जा, मतलब तो उस कमीने का था, और तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल दबाओ यहाँ से। याद रखना, उन्हें अगर कुछ हो गया तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अरे जा जा, तेरी जैसी छतीसों हमने अपनी टांगों के नीचे से निकाल दी, यहाँ ढूंढ और संभाल कर रख अपने उस फूटे हुए ठीकरे को। कोहिनूर हीरो की हमें कोई कमी नहीं। संभाल के रखने का शऊर ना हो तो हीरे भी कोयला बन जाते हैं। सुना मैं,
ये दो टके की लौंडियां अब हमें शऊर भी सिखाएगी। वो तो तुम्हें वक्त ही सिखाएगा सईदा खानम। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि औरत जात के नाम पर तुम एक भद्दी गाली हो। क्या कहा तुमने? सिर्फ गाली ही नहीं, औरत का वो घिनौना रूप हो जो हुस्न और जवानी की आंच पर तपकर भी सिर्फ मिट्टी का ढेर ही रह जाता। अरे औरत तो ममता और वफा से तराशा वो बुत होता है जिसकी ताकत के आगे उसका बनाने वाला खुदा तो खौफ खाता है। पहचान लिया, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आइए इन्हें टैक्सी में ले आइए प्लीज। आइए सईदा, खाने का तो भाई मजा आ गया। मुंह खोलिए। अरे ये और क्या है? खाकर देखिए ना, मुंह खोलिए। सेवैया मैंने अपने हाथों से बनाई है, पसंद है आपको? अरे इतनी पसंद है कि अगर सच पूछे तो ऐसी सेमिया हमने कभी खाई ही नहीं। हाय, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सरकार, बेबी तो आपको दोनों वक्त सेवैयों का मजा देने को तैयार है। अच्छा आप तशरीफ रखिए ना। हाँ जरूर जरूर, आप भी बैठिए ना। तितली बाई, यकीन मानिए आपसे मिलकर मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ। खुश नसीबी तो हमारी है जो आप हमें अचानक मिल गए। कसम से हसन साहब, जब जब आपकी आवाज सुनते थे तो सीने में अजीब से वलवले जाग उठते और शर्मा गई मेरी बच्ची। दरअसल हसन साहब, हम माँ बेटी ने तो बड़ी ऊंची उड़ान भर ली थी। समझ में नहीं आता कैसे कहे। अरे कहिए ना, हमसे तकल्लुफ कैसा? अब देखिए ना, हमारी तो उम्र हो चली है। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं भाई, आपने तो सेवैयों का मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे तितली भाई, हमसे पूछिए आपकी अभी उम्र ही क्या है, आप बेटी से 20 ही लगती हैं। हटिए भी, क्यों बनाते हैं। खैर जो भी हो, ऊपर तो एक ना एक दिन जाना ही है, तब इस बच्ची का क्या होगा। अरे होगा क्या, एक दिन कोई राजकुमार आएगा और आपकी इस सोने सी बेटी को रानी बनाकर ले जाएगा। मैं देखती हूँ जी। अरे किस सोच में पड़ गई? उस राजकुमार के बारे में सोच रही थी। हसन साहब आपके लिए। अरे मेरा फोन? हाँ, फॉरेन टूर वालों का होगा, मैं यहाँ आया ना तो मैंने नंबर दे दिया था, मैं बात करके आता हूँ। हेलो हसन बोल रहा हूँ। हसन साहब बंटी है। ओह आदाबर तो बंटी साहब, कहिए। हसन साहब प्रोग्राम की डिटेल्स बता दीजिए तो मैं बुकिंग करवा दूँ। भाई डिटेल्स तो मैं आपके यहाँ भेज चुका हूँ जी। ऐसा कीजिए ना, दो लंदन में रख लीजिए, दो न्यूयॉर्क में और एक लॉस एंजलिस में। ठीक है, बाकी वहाँ का रिस्पांस देखकर सोच लेंगे। हाँ ठीक है जी, कल मिलते हैं। ओके हाँ हाँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। सईदा तो उसी राजकुमार में खोई हुई है। सच पूछिए तो आपने हमारी दिल की बात छीन ली हसन साहब,
पलटूर के हंगामे के बाद आप हमारी बेबी को रानी बना लीजिए और हमारे दामाद बन जाइए ना। दामाद? अरे तितली भाई, उस दिन वो पगला भी तो आपका दामाद होने का दावा कर रहा था ना। अरे नाम मत लीजिए उस मुहे का, सफेद झूठ बोल रहा था निगोड़ा। कहाँ हमारी बेबी और कहाँ वो गमार। बताइए हजरत साहब, आपको हमारा दामाद बनना मंजूर है? अब क्या बताएं तितली भाई, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। मुबारक हो मेरी बच्ची, मुबारक हो। डॉक्टर कहते हैं इलाज पूरा हो गया, अब बने बिल्कुल ठीक है बाजी, लेकिन ये ना हंसता है न बोलता है, जाने मेरे बेटे को किसकी नजर खा गई। रोकर बदशगुनी मत करो भाभी, पीर बाबा की रहमत से हमारा बन्ने पहले जैसा ही चहकने लगेगा। भाईजान, आप हम सबका गांव जाने का बंदोबस्त कर दीजिए, इसकी हमेशा एक ही लट लगी रहती है, अम्मी गांव चलिए। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। सबाबी, प्यारेलाल जी आपसे मिलना आए हैं। उन्हें यहीं ले आओ। जी। सबको राम राम, सबको सलाम। अरे बन्ने भाई, अरे कैसे हो भैया? अरे भैया ई का तनिक बोलो, हंसो गाओ नाचो बजाओ और फिट हो जाओ। बस यही हाल है प्यारे भाई, सारा घर परेशान है इनके लिए। तनिक बाहर आओ बहना, तुमसे कुछ कहना है। पढ़ो ये इश्तेहार पढ़ो बहना। जी मुझे कंपनी की तरफ से खुला मुकाबला है बहना, पढ़ो। भाईदास हॉल में खुले मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कलाकार अपने नाम एक हफ्ता पहले नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं, लेकिन इसका हम क्या करें प्यारे भाई? अरे तुमका ही तो सब करे का है बहना। देखो बन्ने भाई का नाम हम जी कंपनी में भेज चुके हैं, अब तुमका उनकी ऐसी तैयारी कराए का। अरे का कहते वो का कहते वो उन्वान, उन्वान आही तो हम काट रहे हैं। ये जो उन्वान है ना, जी का मतलब ये हुआ के बिछुआ जैसे डंक मारना, गिरगटवा जैसे रंग बदलना, पिठुआ में छुरा बोकना, ये वही हुआ ना वो का कहता है तुम्हारे इसमें बे 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 बेवफाई, बेवफाई यही तो हम काट रहे बहना। बेवफाई पर कौनो ऐसी तीखी कटरिया सी चीज ढूंढ निकालो तो वो सुसरी वही की वही कट मरे। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे कोई भी हो हमें का, हम तो बस इतना चाहते हैं कि बन्ने भाई की आवाज ऐसा समा बांधे, ऐसी इज्जत अफजाई हो उनकी कि बेइज्जती का सारा जहर पान की पीक की तरह बाहर आ जाए। थू! और कसम है बनारसी बीड़े की ऐसा ही होगा। आ जाइए। आदा बनवा साहब। आदाब। ये सब क्या कर लिया? स्कूल से पता चला आप यहाँ। चलता है मिस साबा, आप कैसे हैं? शुक्र है ऊपर वाले का।
अनवर साहब, अगर ये कहूँ कि आपको देखने आई हूँ तो वो झूठ होगा। मैं आज अपने ही मतलब से आई हूँ। अपने मतलब? फरमाइए। अपनी मर्जी से आपने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ने को दिए, लेकिन आज मैं अपनी तरफ से एक खास फरमाइश लेकर आई हूँ। समझ लीजिए किसी के जीने मरने का सवाल है। हुक्म कीजिए। बेवफाई पर कुछ ऐसी चीज लिख कर दीजिए कि इस मौजू का ये आखिरी कलाम ही बनकर रह जाए, इसके आगे कुछ भी ना रहे। इत्मीनान रखिए, ऐसा ही होगा। इसमें बेरुखी और बेफाई पर बहुत सारी चीजें हैं, जो आपको पसंद आए रख लीजिए। शुक्रिया अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतवार में। सुनिए, ये देखिए, खास आपके लिए लाए हैं, पढ़िए। ऐसे नहीं, गा कर सुनाए। हम कह चुके हैं हमसे गाने का इसरार ना करें। हम जानते हैं आपके दिल में कौन सा कांटा खसक रहा है, और उसी को निकाल बाहर करने के लिए शायद खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है। हाँ बन्ने, याद कीजिए उस औरत को जिसने आपको बेइज्जत किया, जलील किया। इस मुकाबले में उतरकर उससे अपनी बेइज्जती का हिसाब साफ कर लीजिए। नहीं, जिस गाने के शौक ने हमें इंसान से नाली का कीड़ा बना दिया, उसे अब हम अपने होठों पर कभी नहीं लाएंगे। हम नहीं गाएंगे, हम नहीं गाएंगे, हम नहीं गाएंगे। नहीं बनने, बेइज्जती और रुसवाई की इस लड़ाई में हम आपको पीठ नहीं दिखाने देंगे। आप गाएंगे, आप जीतेंगे। औरत जिसे प्यार करती है उसे टूटते हुए नहीं देख सकती। और हम आपको प्यार करते हैं, उसी लम्हे से जब आपने ये खूबसूरत बेड़ियां पहनाकर हमें उम्र कैद की मीठी सजा सुना दी थी। अब अगर हम हैं तो आपसे, सिर्फ आपसे। ये सब कहने में इतनी देर क्यों कर दी सबाबी, इतनी देर क्यों कर दी? और अब बेवफाई मौजू पर चल रहे दिलचस्प मुकाबले का आखिरी दौर आप सबकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इसमें जिन फनकारों की नोक झोंक का लुत्फ आप सब उठाएंगे, उनके नाम हैं मिस सईदा खानम, हसले मुनिया हसले, अब भाई ऐसा चूना लगेगा कि जबान तो कटेगी, नाक भी कटके रह जाएगी। और इन मोहतरमा के साथ जो उभरता हुआ फनकार आज इस मैदान में उतर रहा है, उसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे।
तेरी जफाओं का असर जाएगा, कब्र तक रिश्ता हुआ जख्म जिगर जाएगा, यही हा हा यही यही हा हा यही यही हा हा यही यही हा हा यही हा हा यही हा हा यही यही हा हा यही जो देखने में भोले भाले हैं, यही हा हा यही जो देखने में भोले भाले हैं, बड़ी ही सादगी से दिल हजारों तोड़ डाले हैं, यही हा हा यही जो देखने में भोले भाले हैं, यही हा हा यही है मिट्टी का कि जिसका प्यार झूठा है, यही वो बुत है मिट्टी का कि जिसका प्यार झूठा है, इसी पे दर्द के हाथों हमारा दिल भी टूटा है, बहाना इश्क का घर के वफा का वास्ता देकर, यही है वो यही के जिसने फनकारों हमारे
थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू, प्लीज हैव योर सीट। दोस्तों, आपकी ये तालियां इस बात का ऐलान कर रही हैं कि जो हमारी राय है वही राय आप सबकी है। जी हाँ, आज के इस मुकाबले की जीत का सहरा बांधा जा रहा है जनाब बन्ने खा के सर पर। मुबारक हो बन्ने साहब, ये रहा आफ्ताबे मौसीकी का अवार्ड और ये 50,000 रुपए का चेक जी म्यूजिक की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे अरे प्यारे मियां, देखा, बहुत बहुत मुबारक। सलीम भाई एक मिनट। अच्छा प्लीज, अच्छा का प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, ये सब आप ही की बदौलत हुआ। अरे ना बहना ना, अरे ई शुक्रिया का हम हकदार ना ही है, ई है ई, अरे इन्हीं के बदौलत तो ये मुकाबला फिट हुआ। अरे इन्हीं के कहे पर हमने बन्ने भाई को गवाने पर जोर डाला। अरे ई हसन साहब है, हसन साहब आदर से। यानी कि हमें अवार्ड का लालच देकर गाने के लिए उकसाना तुम्हारी चाल थी? तुम तो परले दर्जे के दोगले निकले हसन मियां, थू है तुम पर, थू। दोगली तो तुम और तुम्हारी बेटी है तितली भाई, तुम दोनों पर थू नहीं हजार लानत है। तुम फनकार के नाम पर एक पदनुमा दाग हो। अरे सच्चा फनकार तो खुदा की नवाजी वो शह है जो लोगों में खुशियां बांटती है, ना कि तुम्हारी तरह एक फनकार का गला घोंटकर अपनी तिजोरियां भरती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हसन साहब मेरी बात तो सुनिए। बहुत सुन चुका हूँ साइदा खानम, बहुत सुन चुका हूँ मैं। देखो, तुम्हारी मीठी बातों के पीछे मतलब परस्ती का वो जहर छुपा है जिसने न जाने कितने लोगों की जाने ले ली होगी। कल बेचारा वो कल्लन था, आज बन्ने हैं, और हो सकता कल मैं हूं। देखो साइदा खानम, तुम एक फनकार हो, फन की इज्जत करना सीखो, उसकी इबादत करना सीखो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। चल दीजिए घर चले, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो अम्मी। आज से अपनी जिंदगी मैं खुद जीऊंगी। गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। आपने और जी म्यूजिक ने एक फनकार के फन को जिंदा रखने में जो हमारी मदद की, हम तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। स्वामी, स्वामी देखिए ना, ये लोग हमसे इतनी देर से क्या मांगे जा रहे हैं? दस्तखत। आपके दस्तखत, लेकिन किस लिए? अरे बन्ने मियाँ, ये आपके और आपके फन के कदरदान हैं। अरे मियाँ, ये लोग हैं तो हम जैसे फनकार हैं इस दुनिया में, इनका रहमो करम, इनका प्यार, इन्हीं की बदौलत हम जिंदा हैं। अब इन्हें ऑटोग्राफ देकर खुश कर दीजिए और कामयाबी की सीढ़ियां छूते हुए एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सभी, कोई भी नई जिंदगी शुरू करने से पहले पीर बाबा का शुक्रिया अदा करने हमें गांव जाना होगा। पीर बाबा का शुक्रिया तो हमें भी अदा करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किसी का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। हम कल सबसे पहले वहां जाएंगे। जरूर। कौन? ये पेशेंट। जरा ठहरिए। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कोई पूछता हुआ यहाँ आए तो ये लेटर उन्हें दे देना। वो कहाँ है? वो इस दुनिया से चल बसे।